इधर रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 6 के रहवासियों को खराब सड़क से जल्द निजात मिलने वाली है, क्योंकि वार्डवासियों की वर्षों पुरानी मांग को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और जल्द ही निगम के द्वारा यहां पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 6 के रहवासियों को अब बहुत ही जल्द खराब सड़कों से निजात मिलने वाली है, क्योंकि यहां की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन की मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निगम द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। वार्ड नंबर 6 के 3 से 4 मोहल्लों और कॉलोनियों को जोड़ने वाली सड़कों को बनाने की मांग काफी दिनों से होती आ रही थी। अब वार्ड पार्षद संजय देवांगन की पहल से अशोक विहार से लेकर नाले तक सड़क बनकर तैयार होगी, जिससे दीनदयाल कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आशीर्वादपुरम कॉलोनी और प्यासा मैदान की तरफ रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। वार्ड नंबर 6 में SLRM सेंटर और शमशान घाट भी है। यहां तक आने वाले लोगों को भी इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में मिट्टी की सड़क बरसात के दिनों में दलदल में तब्दील हो जाती थी। इस सड़क पर कई बार दोपहिया वाहन चालक बरसात के दिनों में मिट्टी से फिसल कर गिर जाया करते थे और चोटिल हो जाते थे। ऐसी स्थिति में सड़क के निर्माण हो जाने से इस बरसात में वार्ड नंबर 6 के साथ साथ अन्य शहरवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इन प्रमुख सड़कों की स्वीकृति मिल जाने से वार्ड वासियों में हर्ष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने रायगढ़ शहर को, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री डहरिया जी ने रायगढ़ शहर के लिए 10 करोड़ रुपए सेंक्शन किए थे, जिसके तहत 48 वार्ड में पैसों का विभाजन कर सभी क्षेत्र विकास के लिए शहर सरकार, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कटिबद्ध है पूरे शहर विकास के लिए, उसी तारतम्य में मेरे भी क्षेत्र में 10 लाख रुपए का सौगात मिला मेरे को, जिससे उस क्षेत्र की जनता की बहुत लंबे समय से मांग रहा है और वो रोड आज तक पक्का नहीं बन पाया, कच्ची रोड है। तो अशोक विहार बस्ती से नाला तक जो मार्ग है, जो बरसात के दिनों में कीचड़ से भरा रहता है और लोगों का आवागमन पूरा बाधित रहता है, परेशान रहते हैं, उसको देखते हुए उस रोड के निर्माण के लिए मेरे द्वारा एस्टिमेट बनवाया गया था, जो आज टेंडर की प्रक्रिया में है। और एक जो है खिताबुद्दीन के घर से लेकर के दीनदयाल बस्ती तक रोड है, जो भी कच्चा है, WBM हो रखा है। ये दोनों रोड बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी और बहुत ही जरूरत का चीज़ है। ये उस क्षेत्र में रोड है ही नहीं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इनको देखते हुए 10 लाख रुपए का 2 रोड सेंक्शन हुआ है और बहुत जल्द उस क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। मेरे द्वारा जो भी बन पड़ता है मैं उस क्षेत्र की जनता के लिए करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा वार्ड मेरा कर्मभूमि है। आप लोग के वार्ड में 2 सड़क बनने वाली, बताएंगे इसके बारे में, पहले कैसी थी और अब कैसे होगी? सबसे पहले तो मैं हमारे पार्षद जी यानी संजय देवांगन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने अपने लक भीड़ के जो है ना 2 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए टेंडर पास करवाया है। जो सड़क का नाम है तो आपका अशोक विहार से लेके पुल तक का, और दूसरी रोड जो है आपका फौजी गली से लेके प्यासा मैदान रोड तक का, मैंने उसको कंप्लीट करने का उसको टेंडर को मैंने पूरा करवाया है। कॉलोनी वाले के सुविधा हो जाएगी? हाँ, इस हमारे कॉलोनी वाले के लिए इस काम के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा सड़क बनने से। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 20।